नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं। डीएपी खाद की किल्लत, सर्वर डाउन होने से किसान परेशान। झांसी में किसानों को डीएपी खाद की आवश्यकता है, लेकिन किसानों को समय पर खाद मुहैया कराने में शासन प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। किसान सुबह 6 बजे से लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। कहीं सर्वर डाउन हो जाता है तो कहीं खाद खत्म हो जाती है। आज आक्रोशित किसानों ने की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह परिहार आज पीसीएफ केंद्र मऊ रानीपुर पहुंचे, किसानों की पीड़ा व व्यथा को सुना। किसानों ने बताया, लगातार 2 दिन से खड़े हैं पर खाद नहीं मिल रही। बुआई का समय चल रहा है, खेतों में चना मटर व राई की फसल बोई गई है। कई किसानों ने बताया कि बार बार सर्वर चले जाने से बिलिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से खाद नहीं मिल रही। 2 दिन से लाइन लगाए हुए खड़े हैं। किसानों की पीड़ा सुनते हुए उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह परिहार ने कहा, पीसीएफ केंद्र मऊरानी पूर्व ग्रामीण अंचलों में स्थित सोसाइटी में शासन प्रशासन पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति कराए। साथ में मऊरानीपुर पीसीएफ केंद्र पर 2 बिलिंग मशीनें रखवाई जाए, जिससे किसानों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले पंचायत हुई है, किसानों की समस्याओं को लेकर। ये गांव कई समस्याओं से परेशान है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या विद्युत विभाग की है। 100 केवी का डीपी महीनों से खराब है और आज तक उसका सुधार नहीं हुआ। यहाँ का किसान फसल बर्बादी से परेशान है। यहाँ पेयजल का संकट है। गांव के 5-6 हैंडपंप ऐसे हैं जो कई महीनों से खराब हैं और इनकी व्यथा सुनने के लिए अधिकारियों के पास समय नहीं है। किसानों के रबी की फसल की बुआई का समय चल रहा है, बिजली विभाग विद्युत बिल वसूली के नाम पर किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, जो सरासर अन्याय है। किसानों के पास अभी पैसे नहीं हैं। किसानों की रबी फसल की बुआई का काम चल रहा है। पहले किसान खेती में बुआई में पैसा लगाएगा कि बिजली का बिल जमा करेगा। तो किसानों के ऊपर सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है। अभी तक गांव के किसानों को ना मुआवजा दिया गया, ना बीमा क्लेम दिया गया। तो कई समस्याओं को लेकर आज यहां पंचायत हुई है। अगर किसानों की समस्याओं, यहां बिजली विभाग द्वारा खराब डीपी नहीं बदली जाती और किसानों का विद्युत बिल वसूली के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। जय जवान जय किसान। ये उत्तर प्रदेश का जनपद झांसी है, तहसील मऊरानीपुर का ये पीसीएफ केंद्र है, जहाँ पर सुबह 6 बजे से हजारों की संख्या में किसान आ गए हैं डीएपी खाद के लिए। और अभी 11 बजने को है और अभी तक गोदाम का अधिकारी या कर्मचारी ने खिड़की नहीं खोली कि किसानों को खाद मिल सके। किसानों की रबी की फसल की बुआई का समय है और खाद की किल्लत है। आज यहाँ पर हजारों किसान खड़े हैं एक एक बोरी डीएपी खाद के लिए। अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिली तो किसानों की बुआई लेट हो जाएगी। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि जनपद के सभी पीसीएफ केंद्रों में, सभी सोसाइटियों में पर्याप्त डीएपी खाद यूरिया भिजवाई जाए, जिससे किसान लेकर अपने खेतों में चना मटर राई गेहूं की फसल बो सके। अगर किसानों को खाद की किल्लत होगी तो उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की।